नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम चौधरी सिकरी कैनल से, और आज आपके लिए लेके आए एक नई वीडियो। बच्चे टॉम और ऐना के बच्चे हैं ये, और आपको दिखाया था डिवॉर्मिंग का और वैक्सीन का वीडियो आपको दिखा दिया, और डाइट का थोड़ा लेट हो गया वीडियो, तो डाइट का वीडियो दिखाते हैं आपको कि डाइट क्या क्या दे रहे हैं हम बच्चों को। इसमें नॉर्मली हमने सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यूज़ है एक जैक लीव, जो सबसे बढ़िया बच्चे के लीवर के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इसको आप आधा आधा एमएल या एक एक एमएल दे सकते हो। एक एक एमएल सभी बच्चों को खाने से पहले भी दे सकते हो या खाने के अंदर भी डाल के दे सकते हो। दूसरा अपना आता है इसके अंदर गटवेल। गटवेल सुबह और शाम के दो टाइम के उसमें एक स्कूप आता है इसके अंदर 4 ग्राम का। पांच बच्चे हैं तो चार एक एक ग्राम आ जाएगा, इनको सभी को एक एक स्कूप डाल के आप दे सकते हो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं देना कैसे है, देने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमने कर्ड या लस्सी आप मिक्स थोड़ा पतला करके लेना है, क्योंकि फीड भी हमने ग्राइंड कर रखी है तो उसमें बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, ये दही और लस्सी का मिक्स ले लिया है। इसमें अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम इसमें सेरेलेक मिक्स करेंगे। ये स्कूप आता है सेरेलेक का, हमने एक मेजरमेंट के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, तो आप इसमें दो स्कूप सेरेलेक के लेंगे, एक और दो। दो स्कूप सेरेलेक के लेने के बाद हम इसमें जो हमने अपनी फीड है, आपके घर कोई भी मिक्सचर होगा तो उससे आप ग्राइंड कर सकते हो फीड को मिक्सी वगैरह में, तो ये ग्राइंड कर रखा है हमने फीड को सारा। तो इसके क्या करना है, हमें 4 स्कूप इसके लेंगे हम, एक दो तीन और चार। इनको आ गया भाई खुशबू। अब रुको तुम 2 मिनट, ये अब हमने ले लिया है, ठीक है। इसके अंदर अब ऐड क्या करना है, हमें इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले गटवेल। गटवेल का 4 ग्राम का स्कूप है, 4 से 5 ग्राम हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें ऐड कर लिया। ये गटवेल ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि हैवी खाना है, बच्चों को क्या होता है लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे ये गट को अच्छा रखता है, इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है बच्चे की, डाइजेशन अच्छा रहेगा बच्चे का। और उसके बाद ये आ जाता है अपना जैकलीव। जैकलीव भी हम बच्चे को इसके अंदर ही डाल के देते हैं, जो क्योंकि स्टार्टिंग से अपने डॉग को ऐसी आदत पाओ जिससे मतलब आप आगे सेल भी करो तो उनको दिक्कत ना आए, क्योंकि खाने के अंदर जब डॉग सारे मल्टीविटामिन डाल के खा ले तो वो बहुत बेस्ट है। ये इसको ले लेते हैं हम जैकलीव को, 5 ml ले लेते हैं, और ये 5 ml, 5 बच्चे हैं, एक एक ml के हिसाब से 5 ml हमने इसमें जैकलीव मिला लिया। इसको मिलाने के बाद अब इसको अच्छे से हम मिला देंगे। ग्राइंड करने का फायदा सबसे ज्यादा आपको ये होगा, तो जल्दी मिक्स हो जाएगा, क्योंकि आप दाना दानेदार फीड होगी तो उसको फूलने में टाइम लगेगा, बच्चा अच्छे से खा नहीं पाएगा। इसमें एक तरह से ये पेस्ट बन जाता है, पेस्ट को बच्चा अच्छे से आराम से खाएगा। ये आपका आराम से मिक्स हो गया, देख लेना कोई गांठ वगैरह ना रहे इसके अंदर। और फिर ये देख लो भाई कैसे खा रहा है मेरे को। और ये अपने छोटे पिल्लू हैं, फीमेल्स हैं ये सब, मेल बच्चे अपने चले गए हैं। हाँ भाई, और इनको खाने पे हम स्टार्ट करेंगे। आपको देख लेना कि आपका बच्चा कितना खा रहा है, उतनी ही क्वांटिटी में देना। ये नहीं कि आपने एक बार भर के रख दिया सारा दिन तक बच्चे वही खाते रहे, ये नहीं है। नॉर्मली अपना सुबह रख दिया, सुबह का जो थोड़ा बहुत रहता है बच्चा वो दोपहर तक खा लेगा, दोपहर का चेंज कर दिया शाम को खा लेगा, और फिर एक रात को रख दो, तो साथ में माँ का दूध तो थोड़ा बहुत जो रहता है बच्चा लेता रहेगा। ये देखो भाई कितने बड़े ही शांत बच्चे हैं ये। ये लो भाई, ये लो, आ जाओ आ जाओ, स्टार्टिंग में बच्चा मोटा करने के लिए भाई कोई मल्टीविटामिन फालतू कोई ऐड ना कीजिए, बच्चे को अच्छे से रखिए। ये अभी सभी बच्चों ने खाना खा लिया है, और डाइट का ये है कि 40 to 45 days ऐसे ही डाइट सेम चलती है। उसके बाद सेकंड वैक्सीनेशन के बाद हम थोड़ा दाना, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, पूरा प्रॉपर दानेदार फीड खाने लग जाता है, फिर आपको पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या क्या मल्टीविटामिन ऐड करना है, क्या क्या उसमें टॉनिक ऐड करना है, जो भी टॉनिक कैल्शियम जो ऐड होगा। अभी 45 days तक बच्चे को एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना, यही है, क्योंकि जब तक 2 वैक्सीनेशन नहीं होती तब तक कुछ नहीं देना बच्चों को। एक वैक्सीनेशन अपने बच्चों को ये हो चुकी है, दूसरी वैक्सीनेशन अब इनकी करेंगे।
तो इसके लिए बने रहना हमारे चैनल पे, और आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताना, और जिस भी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना मेरे भाई। थैंक यू ऑल।